नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। कई हद तक ये पहल कारगर भी साबित हुई। वहीं हाल ही में इस मिशन पर एक अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि स्वच्छ भारत मिशन की मदद से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। अध्ययन के मुताबिक इस मिशन के तहत निर्मित शौचालयों से शिशु मृत्यु दर में हर साल लगभग 60,000 से 70,000 की कमी आई है। ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी सरकार की योजना सफल साबित हो रही है। तो आइए आपको इस अभियान के बारे में विस्तार से बताते हैं और इस मिशन से हासिल की गई बड़ी उपलब्धियों से भी रूबरू कराते हैं। भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान का उद्देश्य देश की गलियों, सड़कों और बुनियादी ढांचे की सफाई करना है। अभियान का एक उद्देश्य सभी ग्रामीण घरों में शौचालयों तक पहुंच प्रदान करके गांव में खुले में शौच की समस्या को दूर करना है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के एक बयान के अनुसार जुलाई 2024 तक पिछले 9 वर्षों में ग्रामीण और शहरी भारत में लगभग 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। ऐसे में अब लोगों को शौच जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी के चलते भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण से हर साल लगभग 60,000 से 70,000 बच्चों की मौत को रोकने में मदद मिली है। दरअसल अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं सहित एक टीम ने 20 वर्षों में 35 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 600 से अधिक जिलों को कवर करने वाले राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षणों का आकलन किया। इसमें यह बात सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि इस मिशन से कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जैसे साल 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन के बाद पूरे भारत में शौचालय निर्माण में तेजी से वृद्धि हुई है। इस मिशन के तहत साल 2019 तक 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है। 6 लाख से अधिक गांव को ODF घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2014 की तुलना में 2019 में डायरिया से 3 लाख से कम मौतें हुई। खुले में शौच से मुक्त गांव में रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य पर आने वाले खर्चे पर हर साल औसतन 50,000 रुपए की बचत हो रही है। स्वच्छता सुविधाओं के कारण 93% महिलाएं घर पर सुरक्षित महसूस करती हैं। मिशन के मौजूदा चरण को 1.40 लाख करोड़ रुपए के निवेश से समर्थन मिला है। वहीं इस किए गए सर्वे से पता चला कि जिला स्तर पर शौचालय तक पहुंच में औसतन 10% अंकों का सुधार होने से शिशुओं की मृत्यु दर में 0.9 अंकों की कमी आई तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 1.1 अंकों की कमी आई। वहीं प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बेहतर साफ सफाई भारत में जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तनकारी कदम साबित हुई है। स्वच्छ भारत मिशन जैसे प्रयासों के प्रभाव को दर्शाने वाले शोध को देखकर खुशी हुई। जाते जाते आपको ये भी बताते चले कि शिशु मृत्यु दर में कितनी कमी आई है। शिशु मृत्यु दर में आई कमी, केरल में 50%, तेलंगाना में 38.23%, बिहार में 35.71%, आंध्र प्रदेश में 35.13%, जम्मू कश्मीर में 34.61%, दिल्ली में 33.33%, कर्नाटक में 32.14% और तमिलनाडु में 31.57%। जाहिर है स्वच्छ भारत मिशन खुले में शौच की कुप्रथा को खत्म करने और प्रदूषण में सुधार लाने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा ये एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य पूरे देश को स्वच्छता और प्रदूषण मुक्त बनाने का है। इस लक्ष्य को साल 2025 तक हासिल करना है। साथ ही इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में और सुधार लाना और गाँव को ODF+ बनाना है।
फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।